नमस्कार, फास्ट समाचार न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती सिरवी। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। रायसेन पुलिस ने एक अनोखा प्रयोग जन जागरूकता के लिए किया है। हालांकि पूरे जिले में इस तरह की मुहिम चलाने की बात की गई थी। बताया जा रहा है कि बमखोरी क्षेत्र में बीते दो महीने में लगभग 24 मौतें सड़क दुर्घटना से हुई थी। इन दुर्घटनाओं में हुई मौतों से रायसेन SP और थाना प्रभारी गिरीश दुबे ने लोगों को गाड़ी धीमे चलाने और अपनी जान को सुरक्षित रखने का मैसेज देने के लिए ये I-20 कार को बमहोरी सलवानी मार्ग पर बंगाली चौराहे पर खड़ी कर आम लोगों को सावधानी से कार चलाने का संदेश देते स्लोगन बैनर के माध्यम से खड़ी की है। अब देखना है कि ये प्रयोग पूरे जिले में कितना कारगर सिद्ध होता है। हमने लोगों को अलग अलग तरीके से कई बार उनका चालान बनाकर, कई बार उनको समझाइश देकर, अलग अलग तरीके से लोगों से ये संदेश दिया कि साहब तेजी से गाड़ी ना चलाएं और शराब पी के गाड़ी ना चलाएं। लेकिन मुझे लगा कि इसका इतना इफेक्ट नहीं हुआ जितना किसी को एक वस्तु चित्र सामने देख के होता है। ये मेरे दिल में आया कि हमको सीधा डेमो दिखाना चाहिए। अधीक्षक महोदय के द्वारा एक बहुत अच्छी पहल की गई है जो आम व्यक्ति है हित के लिए। को चलाते समय शराब पीकर वाहन ना चलाएं। रायसेन से भारत मीणा की रिपोर्ट।